स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट हमारे सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट इंपैक्ट एस्टेरॉयड क्रेटर को लेकर है। वैज्ञानिकों द्वारा हमारे सोलर सिस्टम की न्यू स्टडी में यह पता चला है कि जुपिटर के मून गैनीमेड पर अब तक का लार्जेस्ट एस्टेरॉयड क्रेटर इंपैक्ट हो सकता है। गैनीमेड में मौजूद ओल्डेस्ट टेरन में जो अजीब प्रकार की लाइंस मौजूद हैं, उन्हीं को वैज्ञानिक लार्जेस्ट इंपैक्ट साइट से बनी हुई लाइंस मानते हैं। और यह जो इंपैक्ट इस मून पर हुआ है वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि गैनीमेड के आधे हिस्से पर इसके स्केयर्स अभी भी देखे जा सकते हैं। इस बात की डिटेल स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने वॉयजर मिशन का और 1990s में भेजे गए गैलीलियो मिशन का डाटा यूज किया, जिससे यह पता चलता है कि गैनीमेड की जो एक ब्लैक सरफेस इसके पूरे एक साइड को कवर करती है, वह ही हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इंपैक्ट है। और यह गैनीमेड में लगभग 50 से 150 किलोमीटर लार्ज एस्टेरॉयड के टकराने से बना होगा। और जिस मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह इंपैक्ट डिस्कवर किया है, उसके आधार पर इस लार्जेस्ट इंपैक्ट का रेडियस लगभग 7,800 किलोमीटर का है। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम का जो दूसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड इंपैक्ट है, वह भी हमारे जुपिटर के दूसरे मून कैलिस्टियो पर है, जिसका रेडियस 1,900 किलोमीटर का है। आज की दूसरी अपडेट रशिया के मून मिशन को लेकर है। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट अपने अगले साल के लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है और इसमें लगाए जाने वाले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को रशियन एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से रोसकॉस्मोस को डिलीवर कर दिया गया है। और अब यह अपने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट में फिट होकर इस स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रशिया के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा, जिनमें से 8 इंस्ट्रूमेंट रशिया के हैं और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेरन रिलेटिव नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम पायलट डी है, वह लूना 25 के साथ मून के साउथ पोल पर भेजा जाएगा। यह मिशन अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाना है और यह मिशन भी मून के फार साइड यानी कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। आज की तीसरी अपडेट रशिया में चल रही इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग को लेकर है। कल यानी 7 अगस्त को रोसकॉस्मोस ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया कि रूस के गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग ठीक प्रकार से चल रही है। यह ट्रेनिंग चाइनीज कोरोना वायरस के चलते बीच में रोक दी गई थी, लेकिन मई में इसको फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। और गैगरिन ट्रेनिंग सेंटर में चल रही इस ट्रेनिंग में इंडियन एस्ट्रोनॉट को कई सारे टेरन पर लैंडिंग करवाई गई, जिन टेरन्स में एबनॉर्मल डिसेंट मॉड्यूल लैंडिंग, वुडेड एंड मैर्सी एरियाज लैंडिंग इन विंटर और वाटर सरफेस लैंडिंग भी शामिल थी। यह जो वुडेड एंड मार्सी सरफेस इन विंटर लैंडिंग थी, इसको फरवरी महीने में कंप्लीट कर लिया गया था और जो वाटर सरफेस लैंडिंग की ट्रेनिंग थी, उसको जून के महीने में कंप्लीट कर लिया गया था। इसके साथ ही गगनयान मिशन के लिए चूज किए गए 4 एस्ट्रोनॉट्स को रशियन लैंग्वेज लर्निंग और डेली मेडिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। रोसकॉस्मोस ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया कि ट्रेनिंग अभी आगे भी चलेगी और लगभग 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन कॉस्मोनॉट्स की ट्रेनिंग पूरी होने की पूरी उम्मीद है। बाकी इस टॉपिक पर हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डेली स्पेस अपडेट्स वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।